नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, जैसे कि हमने बात की थी एक्टिव और पैसिव वॉइस की, इसमें हमने दो वीडियोस जो हैं वो पहले से बना चुका हूं मैं, और इनमें हमने जो भी रूल जो हैं वो आते हैं तो उनको हमने डिस्कस किया था, और बड़े ही सिंपल वे में जो है वो उसको डिस्कस किया है, जो कि हर एक आदमी जो है वो उसकी समझ में आ जाएगा अगर आप उन वीडियोस को देखते हो। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इससे पहले आप उन दो वीडियोस को देखो जहाँ से आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगी, उसके बाद आप अगर इस वीडियो को देखते हो तो फिर इसमें भी आपको जो है वो ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगी। ये जो वीडियो बनाई है इसमें वो चीज़ें हमने कवर की हैं कि जिसमें क्या होगा कि एक्सेप्शनल केसेस होंगे, जो एक्टिव और पैसिव वॉइस में जो है वो एक्सेप्शनल केसेस रहते हैं, तो उन चीज़ों को हम जो है वो कवर करेंगे इस वीडियो में। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस बनाई हैं दो, उनमें हमने बात की है कि जो हमारे जो एक्टिव जो होते हैं, ठीक है, जो जैसे प्रेजेंट टेंस हो गए, तो प्रेजेंट की हमने बात की थी कि तीन होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। वैसे ही पास्ट के भी तीन होते हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट, ठीक है। फिर उनके हमने एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड देन इंटरोगेटिव पढ़े थे। फिर फ्यूचर की बात की थी, और फ्यूचर के हमने मैंने बताया था कि फ्यूचर के सिर्फ दो ही होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि फ्यूचर सिंपल हो गया और फ्यूचर परफेक्ट हो गया। और पिछली दो वीडियोज जो हमने बनाई हैं तो उनके ऊपर ही बेस्ड हैं, ठीक है। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप उनको देख लीजिएगा। तो बहरहाल के लिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, और इस वीडियो में मैं जो है वो सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस जो होते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस में उनके बारे में बात करूंगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ जो है वो डायरेक्टली आप तक पहुँच जाएँ। तो ये है चैनल का लिंक, और इसको जो है वो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सेप्शनल केसेस की, तो इसमें क्या होता है कि मॉडल्स, ठीक है, मॉडल हमारे लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हालांकि कुछ लोगों को जो है वो मॉडल्स के बारे में पूरा पता नहीं होगा कि मॉडल जो है वो कहाँ पर लगते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं मॉडल भी जो है वो हमारे सिलेबस का एक पार्ट है, और मॉडल्स के ऊपर मैं एक दो वीडियो जो है वो स्पेशल बनाऊंगा, और आपको बड़े ही सिंपल वे में जो है वो मॉडल्स को समझाऊंगा। बहरहाल के लिए जो है वो हम मॉडल्स के बारे में अगर हम बात करें, कई बार क्या होता है कि एक्टिव और पैसिव वॉइस जो होते हैं तो वो क्या होते हैं कि एक्टिव वॉइस जो होता है वो क्या होता है कि मॉडल के साथ जो है वो शुरू होता है। जब वो मॉडल के साथ शुरू होगा तो हमने जब पैसिव में करना है तो उसके लिए हमारा क्या रहेगा। देखो क्या होगा कि सबसे पहले हमें जो है वो एक छोटा सा रूल जो है वो उसको याद रखना है, मॉडल पैसिव वॉइस में, ये पैसिव वॉइस के लिए है, ठीक है, जब हमने पैसिव में उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले मॉडल लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर वी लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वाई, एंड देन एजेंट जो भी होगा तो वही लगेगा। जैसे कि हमारा एक्टिव वॉइस है, ठीक है, एक्टिव वॉइस में क्या है, मॉडल से शुरू हो रहा है, कैन। अब हमें पता है कि मॉडल क्या होते हैं, मॉडल होता है हमारा कैन हो गया, ठीक है, कुड हो गया, शैल हो गया, ठीक है, शुड हो गया, ठीक है, वुड हो गया, ठीक है, मे हो गया, या फिर माइट हो गया, ठीक है। तो इसके बगैर भी जो है वो बहुत सारे हमारे मॉडल्स होते हैं। तो ये मॉडल जो है वो किस तरीके से हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस में इनके इस्तेमाल करना है। जैसे आ गया कि कैन शी कंट्रोल द सिचुएशन, देखो शी कंट्रोल द सिचुएशन, तो हमने क्या करना है, इसको जब हमने पैसिव वॉइस में जो है वो कन्वर्ट करना है, तो कैन का कैन हमारे पास मॉडल जो है वो हमने लगा देना है। देखो हमने पैसिव वॉइस में उसको कैन का कैन ही रहने देना है। कंट्रोल द सिचुएशन, अब देखो द सिचुएशन जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर लगा दिया द सिचुएशन। अब बी लगा देना है, अब बी हमने लगा दिया, कंट्रोल हमारा वर्ब है, और कंट्रोल की हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म ये हो गई कंट्रोल, एंड देन वाई हमने जो है वो एज एन जो है वो रूल हमने उतार दिया, और एजेंट जो है वो हमारा शी था, तो शी का हमारा क्या हो जाता है, हमारा ये हो जाता है, जैसे कि हमने पढ़ा था एस पी ओ, ठीक है, तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता होगा शी का, तो वो हमारा हर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने उसको एक्टिव से पैसिव में कर दिया। दूसरा देखते हैं, जैसे मे ही क्रॉस द रिवर, ठीक है, मे ही क्रॉस द रिवर, अब मे जो है वो हमारा मॉडल है, तो मॉडल को हमने एज ऑन मॉडल जो है वो उसको रख देना है। अब मे हमने लिख दिया, अब ही क्रॉस द रिवर, रिवर जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो रिवर को हमने यहाँ पर लगा दिया द रिवर, द रिवर, उसके बाद हमने वी लगा दिया ये वाला, फिर क्रॉस, क्रॉस्ड, क्रॉस्ड, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, वाई हमने एज ऑन उतार दिया, एंड देन ही का जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हमारा हिम हो जाएगा।
थर्ड देखते हैं कि शुड ही कट द वुड, ठीक है, शुड ही कट द वुड, तो शुड जो है वो हमारा मॉडल है, अब शुड को हमने जो है वो शुड ही रखने दिया, ठीक है, द वुड जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो द वुड को हमने यहाँ पर लिख दिया और वी जो है वो हमारा एज ऑन हमने रूल जो है वो उतार दिया, कट हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कट ही रहेगी और उसके बाद वाई हमने लगा दिया और ही जो है वो ही का हमारा क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, तो इस तरीके से हमने जो है वो मॉडल्स वाले जो होंगे तो हमने उनको इस तरीके से जो है वो डील करना है, तो ये थे मॉडल्स वाले। अब दूसरी टाइप देखते हैं कि एक्सेप्शनल केस जो होंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस करने के लिए, तो दूसरी किस टाइप की टाइप जो है वो हमें पूछी जाती है पेपर में, तो आइए दोस्तों उसको देखते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि जब हमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन जो है वो किस तरीके का होता है कि वो शुरू होता है वाई हो गया, वैन हो गया, वेयर हो गया, डब्ल्यू हु हो गया एक्सेट्रा, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये नंबर टू हो गई, मतलब दूसरी टाइप हो गई, पहला हमने पढ़ा मॉडल्स के बारे में। देखो क्या होता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस कर रहे थे तो हम इंटेरोगेटिव होता है, ठीक है, तो मैंने आपको जब टेंस में पढ़ा रहा था आपको तो मैंने आपको बताया था कि एक सिंपल इंटेरोगेटिव होता है और एक डबल इंटेरोगेटिव होता है। जब जो सिंपल इंटेरोगेटिव होता है तो उसमें क्या होता है, ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक जो होते हैं वो सिंपल इंटरोगेटिव होते हैं। सिंपल इंटरोगेटिव क्या होते हैं कि जिसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसका अगर हम आंसर देने की कोशिश करें तो उसमें हम आंसर जो है वो यस या फिर नो में देते हैं, ठीक है, किसमें देते हैं, यस या फिर नो में देते हैं उसका आंसर। लेकिन जब हमें डबल इंटरोगेटिव पूछा जाता है तो उसमें जो है वो हम आंसर जो अगर हमने देना है तो उसका आंसर जो है वो हमें एक्सप्लेन करके देना है। अब देखो क्या होता है कि जैसे इसने जो है वो हमें एक्टिव वॉइस में हमें पूछ रहा है कि व्हाई हैव यू ब्रोकन द मिरर, ठीक है, अगर हमें पूछता सिर्फ हैव यू ब्रोकन द मिरर तो हम दे देते आंसर उसका यस या नो में। उसने बोल दिया कि व्हाई हैव यू ब्रोकन द मिरर, तो कहने का मतलब कि अगर हमारा एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन जो है वो शुरू होता है डब्ल्यू एच से, इट मीन्स कि किससे शुरू होता है, वाई हो गया, वेन हो गया, वेयर हो गया, ठीक है, या फिर हु हो गया, तो इनसे जो है वो अगर हमारा एक्टिव वॉइस में जो है वो हमारा क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होता है तो हमने जो है वो एज एन उसको जो है वो वैसे के वैसे ही हमने सबसे पहले उसको उतार देना है, ठीक है, उसको उतार के फिर क्या करना है कि जैसे हैव यू ब्रोकन द मिरर, ठीक हैव यू ब्रोकन द मिरर, देखो हैव यू ब्रोकन द मिरर, सबसे पहले आपने देखना है कि हैव यू ब्रोकन द मिरर ये कौन सा टेंस है, ठीक है, तो अगर आपको याद होगा जब हमने पढ़ा था, कहाँ गया पेन, ठीक है, जब हमने पढ़ा था तो हमें पता है कि ये कौन सा टेंस है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो उसका कौन सा है कि इंटेरोगेटिव है, ठीक है, इंटेरोगेटिव, ठीक है, कि हैव यू ब्रोकन द मिरर। अब इंटेरोगेटिव इसमें जो था वो हमारा क्या रूल लगता था कि उसमें लगता था हैज या हैव, ठीक है, अगर आपको याद होगा क्या लगता था, हैज या फिर हैव लगेगा, ये पढ़ा था हमने, प्लस लगेगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो लगेगा, तो इस तरीके से हमने उसको पढ़ा था जब हम, और ये बात हो रही है हमारी एक्टिव वॉइस की, जब हमने उसको पैसिव वॉइस में जो है वो कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करते थे कि हैव या हैज को हमने पहले लगा देना, हैज या फिर हैव को लगा दो, ठीक है, उसके बाद हमने लगा देना प्लस ऑब्जेक्ट लगा दो, ठीक है, ऑब्जेक्ट लगाना प्लस उसके बाद लगा देना हमने वीन, ठीक है, वीन लगा के फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म B3 देन वाई एंड देन हमारा जो है वो सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है, तो इस तरीके से हमने बोला था। तो यहां पर अगर हम वैसे कोशिश करें, सबसे पहले हमने डब्ल्यू एच वाई जो है वो उसको हमने उतार दिया, तो यहां पर क्या है, द मिरर, मिरर जो है वो सिंगुलर है, तो मिरर के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, हैव लगेगा, तो फिर हैज लगेगा, सिंगुलर है, ठीक है, इसके साथ हैज लगेगा, हैज हमने लगा दिया, द मिरर जो है वो एज ऑन हमने ऑब्जेक्ट जो है वो उतार दिया। अब ऑब्जेक्ट के बाद हमने वीन, देखो उसके मुताबिक हमने क्या लिखना है, वीन लिखना है, ब्रोक की हमने क्या लिख दी, ब्रोकन जो है तो ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, एंड देन वाई हमने एज ऑन रूल जो है वो उतार दिया और यू का जो हमारा नॉमिनेट ऑब्जेक्टिव केस जो होगा वो हमारा जू ही होगा, तो इस तरीके से हमने जो है वो उसको कर देना है। मतलब डबल इंटेरोगेटिव अगर हमें एक्टिव वॉइस में हमें देखने को मिलता है तो हमने इस तरीके से जो है वो उसको डील करना है कि हमने वाई को वाई ही उतार देना है, फिर हमें जो सिंपल इंटेरोगेटिव का जो रूल रहता है तो उसके मुताबिक जो है वो हमने उसको चेंज करना है, ठीक है। दूसरी देखते हैं कि वाई डू यू राइट अ लेटर, ठीक है, वाई डू यू राइट अ लेटर, ठीक है, तो जब हमने क्या पढ़ा था, देखो इसमें क्या है, वाई हो गया, सबसे पहले क्या है इसमें, वाई, ठीक है,
तो वाई को हमने लिख दिया एज एन, हमने वाई लिख दिया, ठीक है। डू यू राइट ए लेटर, तो डू यू राइट ए लेटर की अगर हम बात करें तो ये कौन सा है हमारा, सिंपल में जो है वो इंटेरोगेटिव होता है, ठीक है, इंटेरोगेटिव होता है, उसमें आता है ना डू यू राइट ए लेटर। उसको हमने जब चेंज कर रहे हैं तो हमने पढ़ा था कि इज एम आर लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, इज एम आर लगेगा, देन ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन वाई लगेगा, एंड देन सब्जेक्ट जो है वो उसका जो भी केस लगना होगा तो वो लगेगा। तो इसके लिए क्या लिखना है, अ लेटर जो है वो हमारा सिंगल है तो इसके साथ इज एम आर लगेगा, इसमें से कुछ लगेगा, तो इज लगेगा, बिल्कुल इज लग गया। अ लेटर हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया, रिटर्न हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, बाय हमने एज ऑन उतार दिया, एंड यू जो है वो उसका हमने जो है वो ऑब्जेक्टिव केस जो है वो हमने यू लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको कर दिया, कहने का मतलब कि करना हमने वैसे ही वैसे है जैसे हमने उनको किया था, बस जो हमारा डब्ल्यू एच वाला होगा तो उसको हमने स्टार्टिंग में वैसे का वैसा ही हमने लिख देना है। तीसरा हो गया कि जैसे वेन विल यू रिटर्न माई पेन, ठीक है, विल यू रिटर्न माई पेन, अब इसको हम कैसे करते थे, वेन को हमने वेन ही लिख देना है, तो विल यू रिटर्न माई पेन, देखो माई पेन, माई पेन जो है तो उसके साथ क्या विल लगेगा, शैल लगेगा, तो विल लगेगा, तो माई पेन उसके बाद लिख दिया, वी लगेगा आगे, एंड देन रिटर्न जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाई एज एन रूल, और यू जो है वो हमने यहाँ से जो है वो उसको उतार दिया। तो इस तरीके से हम जो है वो इनको क्वेश्चन जो हमारे वाई हो गया, वट हो गया, या वैन हो गया, वियर हो गया, हु हो गया, इस तरीके के हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अगर एक्टिव वॉइस में, तो हमने इस तरीके से जो है वो उनके साथ डील करना है। एक सिंपल सा रूल ये रहता है, लेकिन इस रूल को करने से पहले हमें जो है वो सिर्फ उसको याद रखना है कि हमने उसी को सबसे पहले लगाना है, फिर हमें सिंपल इंटरोगेटिव जो होता है उसको हम जिस तरीके से चेंज करते हैं तो हमने उसी तरीके से जो है वो उसको चेंज करना है, ठीक है। तो दोस्तों जो तीसरी टाइप है हमारी वो है क्वेश्चन बिगनिंग विद वूम, ठीक है, डब्ल्यू एच ओ एम वूम। अगर इसके साथ अगर कोई क्वेश्चन जो है वो शुरू होता है तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमने पैसिव को जो है वो किस तरीके से जो है वो पैसिव में जो है वो उसको कन्वर्ट करना है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल क्या है कि वूम हैव यू इनवाइटेड, ठीक है, वूम लिखा है ना, तो हैव यू इनवाइटेड, हमने इसकी जगह पे सबसे पहले क्या लिखना है, हु जो है वो उसको लिखना है, ठीक है। तो हैव यू इन्वाइटेड, वूम हैव यू इन्वाइटेड, उसके बाद हमने क्या लिखना हैज़ बीन, एंड देन इन्वाइटेड हो गई हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन वाई हमने एज एन रूल जो है वो लिख लिया, एंड देन यू जो है वो यू का हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या रहेगा, यू ही रहेगा। अब सेकंड देखते हैं, वूम हैज़ ही अब्यूज्ड, ठीक है, वूम हैज़ ही अब्यूज्ड, वूम की जगह हमने हु लिख दिया, एंड देन उसके बाद हमने लिख दिया हैज़ बीन, एंड देन अब्यूज्ड जो है वो हमारी इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, एंड देन वाई लिख दिया एज एन रूल, और ही का जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस जो है वो हमारा हिम हो गया। उसके बाद जो थर्ड है हमारा, वूम हैज़ शी रिपोर्टेड, ठीक है, तो वूम की जगह हमने हु लिख दिया, उसके बाद हैज़ बीन, एंड देन रिपोर्टेड जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एंड देन वाई हमने एज एन रूल जो है वो लिख दिया, एंड देन उसके बाद जो है वो शी का जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, हर। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाता है, नंबर फोर पे अगर हम देखें तो अगर पैसिव वॉइस, ठीक है, पैसिव वॉइस में क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हम जो है वो एजेंट, एजेंट का मतलब हो गया कि जो मतलब स्पीक सब्जेक्ट हो गया, तो उसके बारे में हमें क्लियर पता नहीं चलता है कि वो है कौन एक्चुअल में। तो जब हमें जो है वो उसको उसकी क्लैरिफिकेशन का पता नहीं चलता है तो हम जो है वो उसको अनइम्पॉर्टेंट जो है वो इम्पोर्टेंस जो है वो नहीं देंगे, ठीक है। तो जैसे कि और इस टाइप के जो हमारे पास सब्जेक्ट्स क्या रहते हैं, जैसे कि समबन हो गया, या फिर समबडी हो गया, नोबडी हो गया, पीपल हो गया, पुलिस हो गया। देखो जैसे हम बात करें कि पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, तो पीपल मतलब बहुत सारे लोग, इसमें जो है वो किसी एक मतलब पर्टिकुलर बंदे की बात थोड़ी ना हो रही है, पीपल हो गए बहुत सारे लोग। तो इस तरीके से अगर हमें जो है वो कोई एक्टिव वॉइस में जो है वो देखने को मिलता है तो हमने क्या लिखना है कि जैसे लिखा है पीपल पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो हमने सीधा लिख देना है इसको पैसिव वॉइस में कि इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसका मतलब भी यही हुआ कि इंग्लिश जो है वो वर्ल्ड में जो है वो बोली जाती है। कहना का मतलब ये हो गया कि वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं तो वही तो इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, तो बस सेम ही चीज़ होगी। तो इस तरीके से हमने ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे टेंस जो होगा तो उसको हमने इस तरीके से कन्वर्ट करना है। दूसरा हो गया जैसे पुलिस अरेस्टेड द थीव्स, ठीक है, अब पुलिस अरेस्टेड द थीव्स, ठीक है, तो इसका जब हम पैसिव वॉइस करेंगे तो द थीव्स वर अरेस्टेड, ठीक है, तो थीव्स चोर को कौन अरेस्ट करेगा, पुलिस करेगी, तो
मतलब तो दोनों का मीनिंग जो है वो सेम रहेगा, लेकिन पुलिस जो है वो हमें क्या पता कौन सी पुलिस ने उसको जो है वो अरेस्ट किया, उधमपुर की पुलिस ने अरेस्ट किया, जम्मू की पुलिस ने अरेस्ट किया, या कश्मीर की पुलिस ने अरेस्ट किया है, बांडीपुरा की पुलिस ने अरेस्ट किया है, कौन सी कहाँ की पुलिस ने अरेस्ट किया है हमें नहीं पता, लेकिन पुलिस ने अरेस्ट किया है। तो हमने जो है वो थीप्स वर अरेस्टेड जो है वो इस तरीके से उसको पैसिव वॉइस में हमने कन्वर्ट कर देना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि समवन हैज स्टोलन माय वॉच, ठीक है, तो समवन हैज स्टोलन माय वॉच, ठीक है, अब मेरी जो घड़ी जो है तो वो चुराई गई है समवन, किसी के द्वारा, हमें क्या पता किसी किसके द्वारा जो है वो चुराई गई। तो हम इसको जो है जब हम पैसिव वॉइस में हम जो कन्वर्ट करेंगे तो इधर होगा माई वॉच हैज बिन स्टोलन, ठीक है, द माई वॉच हैज बिन स्टोलन जो है वो इसका पैसिव वॉइस जो है वो आएगा। तो इसका ध्यान रखना, इनको मद्देनजर रखना, कहीं पे हमें संबंध जो है वो देखने को मिलता है या सम बॉडी जो है वो देखने को मिलता है, नो बॉडी जो है वो देखने को मिलता है, पीपल जो है वो देखने को मिलता है, पुलिस हमें देखने को मिलता है, तो इस टाइप के बहुत सारे, मतलब जिसमें जो है वो हमारा जो सब्जेक्ट जो होगा तो सब्जेक्ट के ऊपर हमें पता नहीं होगा कि क्लैरिफिकेशन मतलब कि ये सिंगल लोगों के लिए है या प्लूरल के लिए है या फिर मतलब सब्जेक्ट है कौन जो एक्चुअली, ठीक है। फिर जनरली अगर हम बात करें जैसे पुलिस की, तो जनरली पुलिस जो है वो इंडिया की हो सकती है, किसी भी वर्ल्ड की किसी भी कंट्री की जो है वो हो सकती है। तो हमें जब इस टाइप का पता चलेगा तो हम जो है वो एजेंट एजेंट जो होगा तो उसको हमने क्या करना है, निगलेक्ट जो है वो कर देना है, कहने का मतलब कि सब्जेक्ट जो है तो उसको हमने निगलेक्ट कर देना है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट टाइप देखते हैं, हमने चार टाइप्स देख ली हैं जहाँ तक जो है वो इसमें, ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस में। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारा कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में हमें पता ही है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें हम किसी को या तो हम किसी को ऑर्डर करते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं या फिर एडवाइस देते हैं या फिर सुजेशन देते हैं। तो इस टाइप के जो भी सेंटेंसेस होंगे तो उनको हम क्या किस में रखते हैं, इम्पेरेटिव में जो है वो रखते हैं। अब पहले की अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑर्डर या फिर कमांड की बात करते हैं, ऑर्डर या कमांड जो है वो सेम ही हो गया। अगर इसके लिए एक पर्टिकुलर छोटा सा अगर रूल जो है वो उसको भी अगर हम याद रखने की कोशिश करें तो इसमें जो है वो हम जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, किसमें, जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे इस टाइप का, मतलब कोई एक्टिव वॉइस में दिया होगा जिसमें या तो ऑर्डर कर रहा है, ठीक है, सपोज करो ऑर्डर कर रहा है, ठीक है, या ऑर्डर को ही हम जो है वो कमांड बोलते हैं। तो वो अगर ऑर्डर कर रहा है, एक्टिव वॉइस में हमें पता चल गया कि वो ऑर्डर कर रहा है, कि कहता है कि स्विच ऑफ द लाइट, ठीक है, तो लाइट की को जो है वो बंद कर दो, मतलब ऑर्डर कर रहा है। तो उसके लिए हमने जो है वो रूल जो है वो क्या लगाना है, लेट के साथ हमेशा शुरुआत करनी है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर बी लगाना है, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन इनको हमने जो है वो सिचुएशन के हिसाब से जो है वो डील करना है, कहीं पे हम अगर कोई कोई ऐसा सेंटेंस होगा कि जहाँ पर जो है वो इसको लगाना है, अदरवाइज जो है वो उसको सिंपल तरीके से जो है वो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं। पहले एग्जांपल शट द विंडो, ठीक है, शट द विंडो, ठीक है, तो इसके साथ जो है वो हमने लेट लगा दिया, एंड देन उसके बाद जो है वो हमारा विंडो जो है, द विंडो जो है, तो वो वहाँ से हमने क्या है जी, वही ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, तो सब्जेक्ट आ गया लेट द विंडो वी, लेट द विंडो वी, उसके बाद शट की थर्ड फॉर्म जो है वो हमारी शट ही आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट करना है, कहने का मतलब कहीं पे ऑर्डर या कमांड है तो हमने जो है वो सबसे पहले शुरुआत में पैसिव वॉइस में हमने लेट का इस्तेमाल करना है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट देन वी वन, सॉरी सब्जेक्ट देन वी एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद जो होगा लगाया जाएगा उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जैसे फिनिश दिस वर्क, ठीक है, तो लेट दिस वर्क, लेट दिस वर्क वी फिनिश्ड, ठीक है, फिनिश्ड हो गई हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वी हमने एज ऑन यहाँ से उतार लिया। जैसे हो गया स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट, तो लेट हमने लगा दिया, हमें पता है कि स्विच ऑफ द लाइट बोल रहा है, तो कहने का मतलब कि वो कमांड कर रहा है, लेट लगा दिया, द लाइट जो है वो हमने इसको यहाँ से यहाँ उतार दिया, वी लगा दिया, एंड देन स्विच्ड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, एंड देन आप जो है वो मतलब स्विच आप ये जो है वो यहाँ से उतार दिया, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। एक चीज़ तो वो थी, ठीक है, कमांड, और ठीक है वो दूसरी चीज़ इसमें हम ये देखेंगे कि अगर कहीं पे जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है तो उसमें कहीं पे बोलने वाला जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हमें जो है वो किस तरीके से डील करना है। रूल हमारे पास पैसिव वॉइस के लिए जो है वो क्या रहेगा कि यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे जो भी होगा तो उसको लगाया जाएगा। जैसे बोलता है कि प्लीज़ ओपन द डोर, प्लीज़ क्या है, प्लीज़ मीन्स कि वो रिक्वेस्ट जो है वो कर रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ बोल रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हमने क्या लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू,
ये हमने यहाँ से यहाँ तक लिख दिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, ठीक है, तो ओपन द डोर, ठीक है, इस तरीके से हमने इसके साथ डील कर रहे हैं। दूसरा देखते हैं कि प्लीज हेल्प दैट ओल्ड लेडी, प्लीज हेल्प दैट ओल्ड लेडी, तो प्लीज बोल रहा है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प दैट ओल्ड लेडी, ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे उतार दिया, प्लीज की जगह पे हमने पता चल गया कि ये रिक्वेस्ट है, प्लीज बोल रहे, तो रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट की जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू हो गया। थर्ड हो गया कि टेक दिस सीट प्लीज, ठीक है, टेक दिस सीट प्लीज, तो हमने लिख देना है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज की जगह हमने ये लिख दिया यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक दिस सीट, ठीक है, टेक दिस सीट जो है वो यहाँ पे लिख दिया, रिक्वेस्ट वाला हो गया, कमांड वाला हो गया। अब अगला देखते हैं, अगला आता है हमारा सुजेशन, ठीक है, कि किसी को हम सुजेस्ट करते हैं कि भाई आपको ये काम नहीं ये करना चाहिए, ठीक है, तो थर्ड चीज़ जो है वो इसमें क्या आती है हमारे पास सुजेशन के रिलेटेड, ठीक है, तो सुजेशन अगर कहीं पे हम किसी को दे रहे हैं या फिर एक्टिव वॉइस में सुजेशन के बारे में बात हो रही है, तो हमें जो है वो उसके लिए रूल क्या होगा, सब्जेक्ट एंड देन शुड बी एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन आगे जो है जो भी होगा उसको लगाया जाएगा। जैसे हेल्प द डिसेबल्ड, एक सुजेशन है ना कि हेल्प द डिसेबल्ड, डिसेबल जो है तो उनकी हमें जो है वो हेल्प जो है वो करनी चाहिए, सुजेशन हो रही है ना, द डिसेबल्ड, ठीक है, द डिसेबल्ड जो है तो हमने यहाँ पे लगा दिया, द डिसेबल्ड शुड बी हमने यहाँ से लगा देना है, ठीक है, सब्जेक्ट इसको हमने यहाँ पे लगा दिया, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, फिर शुड बी लग गया एंड देन हेल्प का हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो हमारी लग गई हेल्प्ड, ठीक है, जैसे हियर हिम नो, हियर हिम नो, तो ही शुड बी, ठीक है, अब देखो हिम का क्या आ गया, ही आएगा, देन शुड बी हमारा एज एन यहाँ से लग गया, तो हियर्ड, हियर की जो है वो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो ये आ जाएगी एंड देन नो आएगा आगे। तीसरा आ गया हमारा लव द किड्स, ठीक है, लव द किड्स, ठीक है, द किड्स, द किड्स, किड्स जो है वो यहाँ पर आ गया, देन शुड बी यहाँ से उतार दिया और लव्ड जो है वो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है। वैसे ही हमारा जो फोर्थ आता है, फोर्थ क्या आ गया कि हेल्प द नीडी एंड पुअर, ठीक है, हेल्प द नीडी एंड पुअर, तो इधर क्या आएगा, द नीडी एंड पुअर, द नीडी एंड पुअर, यहाँ से यहाँ तक हो गया द नीडी एंड पुअर, उसके बाद शुड बी हमने जो है वो वहाँ से उतार दिया एंड देन हेल्प जो है तो हेल्प का हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई हमारी हेल्प्ड, ठीक है, हेल्प की क्या हो गई हमारी हेल्प्ड हो जाती है। और नेक्स्ट क्या है हमारा कि अगर हम किसी को एडवाइस देते हैं तो वो भी जो है वो इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है तो उसके अंदर जो है वो आता है। जब हम किसी को एडवाइस देते हैं तो हम जो है वो रूल क्या लगा सकते हैं कि यू आर एडवाइज टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे जो भी होगा तो उसको जो है वो लगाया जाएगा। जैसे वर्क हार्ड, किसी को हम जो है वो एडवाइस देते हैं, ठीक है, वो पढ़ रहा है, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि वर्क हार्ड, ठीक है, वर्क, ठीक है, तो वर्क हार्ड वर्क करोगे तो आप जो है वो सक्सेस हो जाओगे, मतलब एडवाइस दे रहे हैं ना हम उसको कि वर्क हार्ड वर्क करो, ठीक है, तो वर्क हार्ड, अगर वर्क हार्ड कहीं पे हमें एक्टिव वॉइस में जो है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है, एक्टिव वॉइस में जो है वो हमें देखने को मिलता है, तो जब हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, यू आर एडवाइज्ड, ठीक है, यू आर एडवाइज्ड लिख दिया जहाँ तक, यू आर एडवाइज्ड टू, ठीक है, यू आर एडवाइज टू वर्क जो है ये हमारी वर्क ही रहेगी, ठीक है, वी वन एंड देन हार्ड, ठीक है, तो वैसे आएगा। दूसरा आ गया गेट अप अर्ली, अब गेट अप अर्ली हम किसी को बोलते हैं कि गेट अप अर्ली, ठीक है, कि जल्दी उठना, तो यू आर एडवाइज्ड टू गेट अप अर्ली, ठीक है, यू आर एडवाइज टू गेट अप अर्ली। तीसरा हो गया जैसे कि डू नॉट स्मोक, ठीक है, कि स्मोकिंग जो है वो नहीं करना, डू नॉट स्मोक, तो यू आर एडवाइज्ड, हम किसी को जो है वो एडवाइस ही कर सकते हैं ना, हम किसी को जो है वो ऐसे थोड़ी मतलब ऑर्डर थोड़ी दे सकते हैं कि हाँ भाई, अगर वो किसी का अपना बच्चा होगा तो वो उसको जो है वो ऑर्डर दे सकता है, अगर कोई ऐसे सिटी में किसी को दिखता है तो वो उसको ऑर्डर थोड़ी करेगा, वो तो उसको एडवाइस ही देगा कि भाई आपको जो है वो स्मोक नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि स्मोक करने से जो है वो हमारे हृदय जो है तो वो हमारा ख़राब हो जाता है, ठीक है, हृदय जो है वो हमारा ख़राब हो जाता है, तो इसलिए यू आर एडवाइज्ड नॉट टू स्मोक, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू स्मोक, तो इस तरीके से हमें जो है वो ये वाले जो कुछ एक्सेप्शनल केसेस थे, तो अगर हमें इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं तो हम ऐसे जो है वो इनको चेंज करेंगे, तो हाँ चांसेस हो सकते हैं कि एग्ज़ाम जो होगा हमारा तो उसमें जो है वो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिलेंगे, हालांकि हमें जो है वो रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो अगर हम देखें तो
वहाँ से भी जो है वो क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो बहरहाल आज की वीडियो में इतना ही, और लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो डायरेक्टली आप तक पहुँच जाएँ। तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।